हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज जो हम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी करंट अफेयर्स। ओके, और करंट अफेयर्स में अप्रैल 2021 की जो पूरी करंट अफेयर्स है वो मैं सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। याद रखिएगा, इसमें सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, जो भी न्यूज़ में था उसको डिटेल में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में भी मैंने कवर किया हुआ है। सो ये इस लेक्चर के बाद आपको पूरी अप्रैल मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। याद रखिएगा, आपको ऐसी हमारी मंथली करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हमारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अप्रैल 2021 में क्या क्या न्यूज़ में था। याद रखिए, थोड़ा बड़ा लेक्चर है लेकिन हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसमें क्विक फ्लो में हमें ये पता चल जाए क्या क्या न्यूज़ में है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ में मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ प्रोजेक्ट दंतक। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट दंतक ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये प्रोजेक्ट तो एक्चुअली बहुत पुराना है, 1961 का प्रोजेक्ट है। और याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट की डायमंड जुबली हो गई। डायमंड जुबली मतलब 60 साल हो जाना। ओके, सो आप देखेंगे 1961 से देखा जाए तो इसको 60 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को। और ये प्रोजेक्ट देखा जाए तो भूटान और इंडिया के बीच में था। याद रखिएगा, जिसमें हमारी फेमस ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने क्या किया था यहाँ पर, टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइनरिंग द मोटरेबल रोड्स। तो याद रखिएगा, मोटरेबल रोड्स बनाने का प्लान स्टार्ट किया था इन द किंगडम ऑफ भूटान। तो मतलब एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस के लिए BRO ने वहाँ पर रोड्स बनाना स्टार्ट किया था। ये 1961 का प्रोजेक्ट है। ओके, बट इंपॉर्टेंट सिर्फ मैंने इससे लिखा है क्योंकि पूछा जाता है प्रोजेक्ट दंतक इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, तो इज बिटवीन इंडिया एंड भूटान। 60 साल हो चुके हैं इसको, बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो है, देखिए मैंने एक और ऑपरेशन लिखा है, ऑपरेशन तिमान। ओके, तो ऑपरेशन तिमान किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडोनेशिया का एक इंपॉर्टेंट सबमरीन था जिसका नाम है, देख सकते हैं, KRI नंगला। ओके, तो KRI नंगला एक इंपॉर्टेंट सबमरीन था इंडोनेशिया का। ओके, जो कि मिसिंग है, जिसमें 53 लोग थे। कितने लोग थे, 53 लोग थे, और ये मिस हो गया है। तो इसके लिए इंडिया ने अपनी जो हेल्प कर सकते हैं उसके लिए इंडिया ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसमें उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन तिमन, जिसके थ्रू जो लोग ऑफकोर्स सबमरीन जो गायब हो गया है उसको सर्च करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया बाय इंडियन नेवी। ओके, सो रिमेंबर, आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन तिमन इज बिटवीन इंडिया अभी लॉन्च किया है, वो किस कंट्री के लिए लॉन्च किया, तो आंसर इज इंडोनेशिया, रिमेंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड न्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो चीज कहीं ना कहीं से डिस्कवर होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो देखिए, मैंने मेघालय का लिखा है। मेघालय में अभी मिला है इंडिया का पहला फर्स्ट बैम्बू ड्विलिंग बैट विथ स्टिकी डिस्क। ओके, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मिला है मेघालय में। आप सोचेंगे है क्या सर, बैट है, चलिए बैट तो समझ में आ गया। ठीक है, इसमें लिखा आपने स्टिकी डिस्क, तो आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आई थिंक इमेज ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा इमेज क्लियर है। यहाँ पर अगर आप इसका नीचे देखेंगे तो स्टिक शेप का, ठीक है, आपको दिखेगा जहां पर स्टिक शेप का है, मतलब स्टिक बोलो सॉरी डिस्क शेप का है और स्टिकी है, मतलब यहां से वो चिपक जाता है, रिमेंबर, इसलिए इसको कह रहे हैं स्टिकी डिस्क। ओके, और जनरली आप देखेंगे बैम्बू, अगर आपने बैम्बू का पेड़ देखा होगा वहां पर ये जनरली देखिए किस तरह चिपका हुआ है, ये अपने दैट इज स्टिकी डिस्क के थ्रू। ओके, तो ये जो बैट है, ओके, बैम्बू जो मिलता है इसलिए बैम्बू ड्वेलिंग बैट नाम है, विथ स्टिकी डिस्क। डिस्क आप सर्कुलर शेप में होती है, आई थिंक आप समझ सकते हैं। तो उस वो फर्स्ट टाइम मेघालय में मिला है, तो पूछा सकता है ये है क्या, या इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और ये जहां मिला वो मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लिख दी, मेघालय में है, याद रखिएगा, नोंगलियम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पर ये बैट मिला है। तो रिसेंटली अप्रैल में न्यूज में था इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ई सेंटा। अब आप सोचेंगे ई सेंटा क्या है, ई सेंटा बहुत सिंपल सा है, किसने लॉन्च किया है, आपको मेरे सामने पीयूष दिख रहे होंगे, ऑफकोर्स जो मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। ओके, तो इन्होंने ही लॉन्च किया, पीयूष गोयल जी ने, रिमेंबर। क्या है ई सेंटा, बहुत सिंपल है, जैसे जो फार्मर्स हैं जो कि एक्वा फार्मर्स हैं, मतलब जो जैसे फिशिंग वगैरह में जो पार्टिसिपेट करते हैं, और भी याद रखिएगा जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर हो सकता है, फिशिंग हो गई, और भी जो भी जानवर मिलते हैं उसके रिगार्डिंग जो फार्मिंग की जाती है, उनको बायर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए एक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम है ई सेंटा। और किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो इंपॉर्टेंट है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये ई सेंटा, किसके लिए है, एक्वा फार्मर्स को बायर्स के साथ लिंकअप करने के लिए। ओके, और किस मिनिस्ट्री के अंदर, दैट इज सफिशियंट, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से पता ही चला ई सेंटा ही क्या होगा, हमें क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है 100 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ है, ये जो बन गया है वो कहां पर है, तेलंगाना में रमागुंडम में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर,
प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलंगाना में इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, रिमेंबर फ्लोटिंग में बोल रहा हूँ, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट, ये भी अप्रैल में न्यूज में था। ओके, नेक्स्ट है बिम्स्टेक। देखिए मैंने हर बार करंट अफेयर्स में बताया ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है बिम्स्टेक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म बताऊँ जी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, देख सकते हैं 7 मेंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। ओके, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, तो इनके मेंबर्स आपको याद रखने हैं। पहली बात तो ये 1997 में बना था, हेडक्वार्टर है आपका बांग्लादेश में ढाका में। ओके, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन है उसके थ्रू ये 7 कंट्रीज ने बिम्स्टेक ग्रुप बनाया था। ओके, ऑफ कोर्स ये ट्रेड के लिए है, नाम से ही पता चला इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड है, ट्रेड वगैरह के लिए है, बट आपको बिम्स्टेक हमेशा पढ़ना है, कहीं ना कहीं बिम्स्टेक की कोई ना कोई मीटिंग्स चलती रहती हैं, है ना, तो प्लीज़ एक बार बिम्स्टेक जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत बेसिक आपको बता दिया, वैसे मैंने हर करंट अफेयर्स में बिम्स्टेक जरूर कवर किया हुआ है। ओके, अब जो अगला टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा मीन्स पर्सपेक्टिव से है, ये टॉपिक को मैं थोड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाए, आप कभी गलत ना करें। ठीक है, यहां पे लिखा है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से पहले आपको मैं ADR बताना चाहूंगा, ADR समझ में आ गया तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो उसका ऑनलाइन मोड है, बस याद रखिएगा। मैं अभी आपको ADR पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, व्हाट इज दिस ADR, ओके, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, ADR क्या है? ADR है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके, बहुत सिंपल है बट टेक्निकल वर्ड्स है, थोड़ा सा समझ जाओगे बहुत ईजी है, बहुत साधारण भाषा में आपको समझा दूंगा। देखिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैसे तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है हम कोर्ट जाते हैं, अब कोर्ट तो वैसे ही इतना है, इतने सारे केसेस कोर्ट में हैं, तो उसको थोड़ा केसेस कम करने के लिए एक नया मेथड बनाया गया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जहाँ पर छोटे मोटे केसेस जो हैं वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकते हैं। यहाँ पर 4 मेथड हैं उसमें ADR में, जिसके थ्रू स्मॉल केसेस, मर्डर और बड़े क्राइम्स की बात नहीं कर रहा, स्मॉल केसेस ADR के थ्रू भी रिजॉल्व हो सकते हैं, आपने लोक अदालत का नाम सुना होगा। ओके, तो उसी के थ्रू में है ADR, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 4 मेथड बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बताने वाला हूँ मैं। एक बताऊंगा मैं आर्बिट्रेशन, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कंसिलेशन, थर्ड मैं आपको बताऊंगा मीडिएशन और फोर्थ मैं आपको बताऊंगा नेगोशिएशन। ओके, ये 4 मेथड आते हैं किसके अंदर? ADR के अंदर। बहुत सिंपल है, लेट अस सपोज दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट है, छोटी मोटी चीज पर डिस्प्यूट होगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप एक थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, लेट अस सपोज 1 or 2 का डिस्प्यूट है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, अपना डिस्प्यूट बताएंगे, थर्ड पार्टी डिस्प्यूट सुनेगा, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दे देगा, और जो जजमेंट देगा वो दोनों पार्टीज को बाइंडिंग होगी और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिमेंबर, सो डिस्प्यूट जो होता है, जो थर्ड पार्टी रहता है वो अपना फैसला सुनाता है, डिसीजन देता है, अवार्ड देता है, और जो बाइंडिंग रहता है दोनों ही पार्टी को। ओके, और देयर इज नो राइट टू अपील, इस पर अपील नहीं कर सकते, जो आपको फैसला सुनाया गया वो आपको मानना पड़ेगा। तो एक तरीके से बाहर, मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप आर्बिट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, दो पार्टी चाहे तो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकता है, उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। ओके, याद रखिए थर्ड पार्टी कौन होगा, अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे तो जुडिशियरी ही अपॉइंट करेगी कौन होगा आर्बिट्रेटर, बट वो जो है उसकी जजमेंट के थ्रू मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, अब जो सेकेंड वाला मेथड है दैट इज कंसिलेशन। ओके, कंसिलेशन में क्या होता है, जो यहां पर भी कंसिलेटर अपॉइंट होता है, बट ये जो जजमेंट देगा, ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही होगा, दो लोग अपना डिस्प्यूट लेके जाएंगे, बट यहां पर कंसिलेटर जो होगा इसकी जो जजमेंट रहेगी वो नॉन बाइंडिंग है, मतलब पार्टी चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो एक्सेप्ट ना करे। तो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन में मेजर फर्क है, वहां पर बाइंडिंग है, यहां पर नॉन बाइंडिंग है। ओके, यहां पर भी जो कंसिलेटर होगा वो पार्टीज के डिस्प्यूट को सुनेगा, कोशिश करेगा कि एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट निकाल के वो फैसला सुना दे। ओके, फिर लेकिन अब उस फैसले को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, वो याद रखिए द पार्टी आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ कंसिलेटर। तो कंसिलेटर जो है वो रिकमेंडेशन दे देगा, बाकी आप पर है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, बट अगर पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो आपके लिए बाइंडिंग है और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर लिया फिर आप कह दो अरे नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया, देन इट इज बाइंडिंग टू बोथ द पार्टीज। ओके, तो कंसिलेटर और आर्बिट्रेटर में आपने देखा यहां बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, मेनली जो है वो यहां पर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, थर्ड जो है मीडिएशन जो होता है, मीडिएटर जो होता है, इसमें डिफरेंस क्या है याद रखिएगा, वहां पर दोनों में फर्स्ट और सेकंड केस में थर्ड पार्टी जो थी वो फैसला सुना रही थी, ओके, दो डिस्प्यूट के बीच में, बट मीडिएशन में कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, रिमेंबर। ठीक है, यहां पर सिर्फ क्या करता है, जो थर्ड पार्टी रहता है एक इम्पार्शियल पर्सन जिसको आप मीडिएटर कहते हैं, वो दोनों पार्टी से बात करता है, ठीक है, दोनों की बातें सुनता है और कोशिश करता है दोनों लोग मैटर को सॉर्ट आउट कर लें। ओके, रिमेंबर मीडिएटर डज नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट डिसाइड नहीं करेगा जैसे 1 or 2 में डिसाइड किया गया था, वो सिर्फ उसका काम है कि पार्टी को कम्युनिकेट कराना और उस डिस्प्यूट को वो खुद मिलकर आपस में रिजॉल्व कर लें। ओके, तो उसका काम है मीडिएटर का सिर्फ क्या काम है, हेल्प द पार्टीज
कम्युनिकेट सो दैट दे कैन ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. ओके, मीडिएशन ऑफकोर्स यार आउटकम जो रहेगा वो तो पार्टीज पे डिपेंड है कि आपस में उन्होंने डिसाइड किया वेदर दे वॉन्ट टू फॉलो और नॉट, तो आउटकम उन पे डिपेंड है पार्टीज पर. मीडिएटर तो सिर्फ एक तरह की नेगोशिएट करवा रहा है उन दोनों के बीच में, उसे कहते हैं मीडिएशन. तो यहाँ पर याद रखिए इसने कोई जजमेंट नहीं दी है, पहले दोनों में जजमेंट्स आ रही थी. फोर्थ जो है दैट इज नेगोशिएशन, यहाँ पे थर्ड पार्टी होती ही नहीं है. रिमेंबर, तो थर्ड पार्टी किसमें नहीं होती, नेगोशिएशन में. यहाँ पर दोनों पार्टी जिनको डिस्प्यूट है वो दोनों आपस में आकर डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, मैटर को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं, मैटर को यहीं पे खत्म कर देते हैं, आपस में नेगोशिएट करेंगे. याद रखिएगा जैसे मैरिज का हो गया, डाइवोर्स का, पेरेंटिंग, एवरीडे लाइफ के जो मैटर्स होते हैं वो जनरली नेगोशिएशन में जाते हैं. ठीक है, अगेन नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है. ठीक है, डिस्कशन होगा पार्टीज के बीच में और विदाउट इंटर, कोई इसमें थर्ड पार्टी नहीं होगी, आपस में दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं. अगेन बट डिसाइड किया और फिर उसके बाद आप उसको बाइंडिंग नहीं कि डिसाइड कर लिया तो वो फॉलो करना पड़ेगा, अगेन नॉन बाइंडिंग है. ओके, तो रिमेंबर नेगोशिएशन इन चारों में से जो मैंने मेथड बताया एडीआर का, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के प्रोसीजर थे जिसमें से नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी नहीं होती, बाकी तीनों में थर्ड पार्टी होती है. रिमेंबर आर्बिट्रेटर में जो फैसला दिया वो थर्ड पार्टी ने, वो आपको मानना होगा, वो अलग हो गया. ठीक है, बाकी दो में जो मेडिएशन और कंसलेशन में फर्क क्या था कि मेडिएशन में याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि वो जो थर्ड पार्टी होगा वो सिर्फ दोनों के बीच में रिजॉल्व कराने के लिए वो दोनों को एक साथ मिलवाएगा. ओके, उसका ये काम है, जबकि यहां पर जो कंसलेटर है वो जजमेंट देता है, रिकमेंडेशन देता है, एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करना वो तो पार्टीज पर है. तो ये है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें चार मेथड होते हैं. ओके, अब इसी को ऑनलाइन कर दिया है नीति आयोग ने, रिमेंबर, जिसका नाम रख दिया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. कुछ नहीं है, बस उसी चीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ला दिया गया है. बाय हूम? बाय नीति आयोग. ठीक है, तो रिमेंबर व्हाट इज दिस एडीआर, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दिस एडीआर. ओके, और लोग इसको समझ ही नहीं पाते व्हाट इज दिस एडीआर. मैंने आई होप आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एडीआर समझा दिया है. ओके, नेक्स्ट है सार्थक. इंपॉर्टेंट है, सार्थक है क्या? देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी. ओके, तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने मीटिंग में एक अनाउंस किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी बन गई है, उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन का प्लान क्या होगा. तो देखिए उन्होंने अपना इंप्लीमेंटेशन प्लान, आप ब्लू में देख रहे होंगे, इस प्लान को लॉन्च किया है और इस प्लान का नाम है क्या, दैट इज सार्थक. फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन. मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो प्लान है उसका नाम है सार्थक. आई होप बहुत सिंपल है. ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, OPCW, ये न्यूज में रहता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन. ठीक है, ये जो बॉडी है याद रखिएगा, ये बॉडी है, ये इंप्लीमेंट कराती है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हुई थी. ठीक है, जिस कन्वेंशन के लिए ये बॉडी बनाई गई, जिसका काम है, क्या काम है, इसका एम है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन में जो एग्रीमेंट्स हुए उनको याद रखिएगा, उसको इंप्लीमेंट कराना. मतलब क्या है, क्या काम होंगे, नाम से पता चला केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, मतलब केमिकल वेपन्स को खत्म करने की बात होगी. बिल्कुल ऐसे ही है, विजन है इसका, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम केमिकल वेपन्स बाय इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन. तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के जो प्रोविजन है उनको अप्लाई करके वर्ल्ड को फ्री करना है फ्रॉम केमिकल वेपन्स, उसके लिए ये बॉडी है. ये बॉडी 1997 में बनी थी, इंडिया इसका मेंबर है याद रखिएगा. और खास बात क्या है, ये यूएन की बॉडी नहीं है. जनरली सारी बॉडीज आप देखते हैं यूएन की होती है, इट इज नॉट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ऑफकोर्स रिलेशनशिप, ऑफकोर्स इट वर्किंग रिलेशनशिप है यूएन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बट यूएन का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूपीसीडब्ल्यू याद रखिएगा. तो केमिकल जो वेपन कन्वेंशन था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बॉडी बनाई गई है, इंडिया इसका मेंबर है. 1997 में बॉडी स्टैब्लिश की गई थी, याद रखिए, इट वॉज स्टैब्लिश बाय द केमिकल वेपन कन्वेंशन इन 1997. तो इंडिया मेंबर है और यूएन वाले, यही दो पॉइंट्स आपको फ्रेम किए जाएंगे क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे. जस्ट रिमेंबर कब बनाया जाता है, 25 अप्रैल. इस बार की थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट. ओके, इतना सफिशिएंट अगर आप याद करेंगे, किसी स्टेट पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वैसे. ओके, यूपीएससी भी थीम्स पूछ लेता है वैसे. ओके, नेक्स्ट है एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे. तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. ओके, ये है क्या बता देता हूं मैं, बट इसकी जो रिपोर्ट है वो याद रखिएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. इस बार की जो
रिपोर्ट है, इसकी जो टाइटल है उसका नाम है माई बॉडी इज माई ओन, याद रखिएगा माई बॉडी इज माई ओन। ओके, तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है वो आपको याद रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिलीज करता है। ओके, तो रिपोर्ट और कौन रिलीज करता है वो मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा इट इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी दैट प्रमोट्स द राइट ऑफ एवरी वुमेन मैन चाइल्ड to enjoy their life, health, equal and equal opportunity. So just remember, United Nations Population Fund है, तो of course women, child, इन सबकी जो rights हैं, equality, उन सबकी बात करता है, remember. So आपको बस इतना याद रखना है कि United, और इसका headquarter न्यूयॉर्क में, मैं आपको बता रहा हूँ, of course United Nations की body है, न्यूयॉर्क USA में इसका headquarter है. Okay, वो भी आप note down कर सकते हैं, but मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि इसकी report जो है, annually report, वो कौन publish करता है, वो आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान से यूएस अब 20 सालों बाद, आपको पता होगा 9/11 में अटैक हुए थे. ओके, तो देखा है तो आफ्टर 20 इयर्स अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 में जो है यूएस लीव कर रहा है अफगानिस्तान को, इसलिए अफगानिस्तान का मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, यूएस लीव कर रहा है वो तो ठीक है, अफगानिस्तान किस किस को टच करता है, इंडिया को टच करता है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान. तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की बाउंड्री कंट्रीज कौन सी हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. अफगानिस्तान वैसे भी हमेशा न्यूज में रहता है. ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए इन्फ्लेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों ही इंडेक्स इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए. इंडिया में CPI के थ्रू इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, हमेशा इनके डाटाज आते रहते हैं. मैंने छोटी सी बात लिख दी है, देखिए WPI जो है उसका ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके बास्केट में सबसे ज़्यादा किसका वेटेज रहता है. CPI में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है प्राइमरी आर्टिकल्स का, रिमेंबर, बट WPI में सबसे ज़्यादा वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का. आप देख सकते हैं अराउंड 64% जो है वो डाटा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का. वैसे परसेंटेज क्या होते हैं ये मैंने इन्फ्लेशन के टॉपिक इकोनॉमिक्स में कवर कराया हुआ है, मैं पूरा टॉपिक तो नहीं करा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ WPI CPI दोनों पढ़ लेना आप, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, WPI पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, पीयूष गोयल जो है, रिमेंबर. CPI जो है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, दोनों का बेस ईयर 11/12 है. याद देखिए WPI सिर्फ गुड्स की बात करता है और जबकि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की CPI बात करता है. CPI इज अ बेस्ट, याद रखिएगा जो इन्फ्लेशन मेजर करने का इंडेक्स है वो CPI ही है, रिमेंबर. बाकी मैंने इन्फ्लेशन के टॉपिक में दोनों इंडेक्स डिटेल में कवर किए हुए हैं, बट एक बार जरूर देख लीजिएगा आप, आपके पास टाइम हो तो. ओके, नेक्स्ट है दिस स्कीम आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन लॉट्स ऑफ माई लेक्चर, याद रखिएगा स्वामित्व स्कीम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैं बार बार स्कीम को आई थिंक चौथी या पांचवी बार कवर कर रहा हूँ, प्लीज एक बार देख लीजिएगा. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया हुआ है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल सेक्टर स्कीम मींस 100% जिसका फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, रिमेंबर. ऐसा नहीं है कि 60% सेंट्रल और 40% स्टेट, उसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं. ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कुछ नहीं होगा. देखिए जो रूरल एरियाज हैं उसमें इस स्कीम का टारगेट है, रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, इनहेबिटेड लोग हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको पूरा एक तरीके से मार्किंग कर देना कि आपका भाई ये प्रॉपर्टी है, ठीक है. और उसके लिए उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि भाई आप सबको रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ठीक है. और ये टारगेट 4 साल में कंप्लीट करना है, 2020 से 2024 फेज वाइज मैनर में, ऐसे पूरे इंडिया में लागू नहीं है, फेज वाइज मैनर में इसको किया जा रहा है और 24 तक 6,62,000 विलेजेस को कवर करना है. सो जो लैंड के डिस्प्यूट्स होते हैं ना वो ओवर हो जाएंगे, ठीक है. तो ये स्कीम लॉन्च की गई है. ओके, आई होप आप समझ लोगे, जहाँ पे आप रहते होंगे उसका लैंड रिकॉर्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी से सरकार पता कर लेगी. ओके, और इसको इंप्लीमेंट करा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, नेशनल पंचायती राज के दिन ये मिनिस्ट्री ये स्कीम लॉन्च हुई थी, दैट इज वाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके साथ इसका साथ जो दे रहा है वो है सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने हर बार कवर कर रखा है, प्लीज स्कीम को एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में 200% ये स्कीम आएगी ही आएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट है ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है अप्रैल में न्यूज में था, तो बस दो बेसिक पॉइंट याद रखें, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इस पार्टनरशिप में, इसलिए इंपॉर्टेंट है. पहली बात 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर. और दूसरा जो है इसको इंप्लीमेंट कराने वाली बॉडी देख लीजिए, IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे है उन्होंने भी फंड किया हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है. सो ये चीज़ है. और इंपॉर्टेंट क्या है, अब गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, आपने देखा होगा समुद्र की बात करते हैं, मैराइन की बात करते हैं, अभी रिसेंटली 2 साइक्लोन आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा
प्लास्टिक जो है वो समुद्र से बाहर आ रहा है. सो ये उसी के लिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना है, रिडक्शन करना है. क्या जो प्लास्टिक लिटर होते हैं, याद रखिएगा मरीन प्लास्टिक में जो आप मरीन एरिया से प्लास्टिक ऐड करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. सो जस्ट रिमेंबर किसके लिए है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, दैट इज सफिशिएंट. उसके बारे में ज़्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है, नागोया प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्राज़ील ने अभी रिसेंटली इस प्रोटोकॉल को ज्वाइन कर लिया है. तो ये तो प्रोटोकॉल बहुत पुराना है, 2010 का प्रोटोकॉल है. एनवायरनमेंट मैंने कवर भी कराया हुआ है, बट एक बार इसको देख लीजिए. फुल फॉर्म है नागोया प्रोटोकॉल. नागोया जापान में जगह है, मैं आपको बता दूँ कहाँ पर है, जापान में. नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABSB कहते हैं. देखिए एक 1992 में आपको तो अर्थ समिट हुई थी, तो वहाँ पर याद है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 1992 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में, इसी के अंदर याद रखिएगा इसी को सप्लीमेंट करते हुए एक एग्रीमेंट साइन किया है. मतलब इसी के अंदर, इसी का एग्रीमेंट है, मतलब इसी के अंदर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जिसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल. फुल फॉर्म में पूरा नहीं बोल रहा हूँ, नागोया प्रोटोकॉल शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है. तो एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जो 2010 में साइन किया गया था, ठीक है, और 2014 में ये लागू हो गया, एंटर्ड इनटू फोर्स, ठीक है. ये इंडिया भी इसका मेंबर है ऑफकोर्स, ठीक है. अब दिमाग में ये है क्या, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नागोया आपने बता दिया जापान में जगह है, और ये CBD जो है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है नागोया प्रोटोकॉल. अब क्वेश्चन ये आता है ये एग्रीमेंट है क्या. देखिए इंडिया में जैसे बहुत से जेनेटिक रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत सी बाहर की कंपनीज आती हैं, यहाँ के बड़े जेनेटिक रिसोर्सेज को ले जाती है, डिस्कवरी करती है, और फिर वो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मेडिसिन बना रही है और बेनिफिट उठा रही है. तो बेचारे जहाँ से प्रोडक्ट मिला उनको तो बेनिफिट हुआ ही नहीं ना, तो उसी को देखते हुए प्रोटोकॉल बनाया गया है जहां पर यह बोला गया है कि जहां से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहा है उस कंट्री के साथ भी आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना. लेट अस सपोज आपने पेटेंट लेके बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, तो उसके राइट्स, उसके पावर्स उस जगह को ही मिलना चाहिए, इंडिया को ही मिलना चाहिए. आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इंडिया को ही मिलना चाहिए. आप रिसोर्सेज तो हमने दिए ना आपको, रिमेंबर. सो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर होना चाहिए जो बेनिफिट्स हो रहे हैं बाय यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ओके, एंड बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूटिलाइजेशन. तो आप वो बेनिफिट्स जो हो रहे हैं वो आप इंडिया के साथ शेयर करिए, वरना ऐसा नहीं कि आप आए इंडिया से अच्छी अच्छी मेडिसिन से आपने वो ढूंढी जंगलों में और फिर आप ले गए उससे आपने मेडिसिन बनाई और फिर इंडिया को ही महंगे दाम में बेच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. याद कि उसके बेनिफिट्स इंडिया को भी शेयर करने पड़ेंगे. और ब्राज़ील अभी 138th कंट्री बन गई है जिसने नागोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है, इसलिए मैं नागोया प्रोटोकॉल आपको बता दिया है, ओके. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट है. जस्ट रिमेंबर स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है 2020, इसको पब्लिश कौन करता है, जस्ट रिमेंबर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. रिपोर्ट का नाम स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, क्लाइमेट से रिलेटेड आप देख सकते हो. इस ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी बात करूँ, 1950 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, रिमेंबर कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में. और ये यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसलिए मैंने पॉइंट बोला क्योंकि इसमें कहीं नाम से नहीं पता चलता कि यूएन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन आगे नहीं लिखा हुआ है. बट कंफ्यूज मत होइएगा, यस इट इज अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन इंटर IMF की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. ये UPSC ऑलरेडी पूछ भी चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन पब्लिश करता है. करेक्ट आंसर IMF, ओके. चलिए नेक्स्ट जो है, जस्ट रिमेंबर क्लाउड बर्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है क्लाउड बर्स्ट क्या होता है आपसे, ठीक है. क्लाउड बर्स्ट आर सडन एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ओवर अ लिमिटेड एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. कम टाइम में छोटे से एरिया में ज्यादा बारिश होने को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट होना, बादल फट गया जिसको आप हिंदी में कहते हैं. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अभी आप देख रहे हैं बड़ा न्यूज में है ये क्लाउड बर्स्ट, बहुत जगह न्यूज में चल रहा है, ओके. चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इससे आ सकता है. रिमेंबर इस रिपोर्ट में 2-3 पॉइंट याद रखना है. इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया की रैंकिंग इस बार बहुत पुअर है, 140 रैंक है आउट ऑफ 156 कंट्री. मैं बताऊं लास्ट ईयर 2020 में तो इंडिया की रैंकिंग 118 थी, ठीक है, 118 थी, है ना, नहीं 118 नहीं थी, आई थिंक 112 थी, ठीक है, यस 112 थी, यस 112 थी इंडिया की रैंकिंग 2020 में. और इस बार 28 रैंक इंडिया की और गिर गई है और इंडिया की रैंक हो गई 140. तो याद रखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आपको याद रखना पब्लिश कौन करता है, इंडिया की रैंक इस बार, लास्ट ईयर की इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार इंडिया की रैंक 140 आउट ऑफ 156 कंट्री. इसमें स्कोर मिलता है 1 है तो आप इक्वालिटी की ओर मूव कर रहे हैं, 0 स्कोर मिल रहा है
तो बड़ी इनइक्वल कंट्री है. ओके, इसमें इंडेक्सेस जो लिए जाते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पब्लिश कर रहा है, रैंक 140, और इसमें जो इंडेक्सेस हैं वो मैं आपको बता दूं. याद करने का तरीका बताओ, लाइफ में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. हेल्थ, कोविड चल रहा है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है. पढ़ाई, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. फिर हेल्थ एजुकेशन तो होगी, देश में पॉलिटिक्स तो हमेशा चलती रहती है तो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लो. और फोर्थ जो है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है देश में, क्योंकि उसके लिए तो लॉकडाउन खोला जा रहा है. सो ये चार चीज़ ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन ट्रीटमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. आपको पता रहेगा ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली जाती है उसमें चार डायमेंशन जो हैं वो कौन से कवर किए जाते हैं टू गेट इन टू द रैंकिंग. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. और एक बार मुझे आप बताइए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में रैंक वन पे कौन है, ये आप सोचिए और इसको जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको याद करके जरूर रखिए. ओके, चलिए नेक्स्ट है सप्लाई चेन रेजिलियंस. देखिए ये टर्म जो है ये बड़ा ही यूपीएससी के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, बड़े एग्जाम्स में आएगा. पीसीएस वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है सप्लाई चेन रेजिलियंस, बट मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ चीज़ें. आपने मेरे क्योंकि क्वेश्चन जो रहते हैं मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में कवर करता हूं, सो आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा. जैसे क्वाड ग्रुप आपने सुना होगा, चार मेंबर्स हैं क्वाड में, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ठीक है. तो उसमें से यूएसए हटा दो और ये तीन मेंबर्स ने मिलके ये सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाया है, ठीक है. ये है क्या इनका ये कहना है सप्लाई चेन रेजिलियंस, बहुत सिंपल है. लेट अस सपोज इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल के लिए जनरली डिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल चाइना पर, ठीक है. आपके पास चाइना मार्केट है फॉर एग्जाम्पल, आपके पास और मार्केट है नहीं, आप जनरली उस पर डिपेंडेंट है. ओके, तो आपको सप्लाई चेन रेजिलियंस में क्या करना है, आपके जो मार्केट है उनको आपको बड़ा करना है. आप सिर्फ एक दो पे डिपेंडेंट मत रहिए, यू हैव टू इंक्रीज इट. उसे कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस. बहुत सिंपल मेथड है, मतलब याद रखिएगा जो आपका ट्रेड सप्लाई चेन रेजिलियंस इज अप्रोच इट विच हेल्प्स कंट्री टू एंश्योर डाइवर्सिफाइड इन सप्लाई रिस्क अक्रॉस अ क्लच ऑफ डिफरेंट नेशन. मतलब सिर्फ एक दो नेशंस पर नहीं, आप ज्यादा नेशंस पे पार्टिसिपेट करें. ओके, तो ये है सप्लाई चेन रेजिलियंस. क्योंकि चाइना आपको पता है बड़ा पावरफुल हो रहा है तो उसको ही डाउन करने के लिए आपस में इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है. और ग्रुप बना के, ग्रुप तो क्वाड है बट इसमें इन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब ये है. ओके, नेक्स्ट है दैट इज फंगिबिलिटी. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है. देखिए मैं जल्दी समझा रहा हूँ, इसमें चीज़ें आपको समझ में आते हैं. फंगेबिलिटी कॉन्सेप्ट, देखिए क्रिप्टो करेंसी मैंने हमेशा बताया एग्जाम में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी इस बार फंगेबिलिटी न्यूज़ में है. फंगेबिलिटी या नॉन फंगेबिलिटी क्या होता है, देखिए फंगेबिलिटी का मतलब सिंपल समझिए, इसका मतलब होता है ऐसा एसेट एबिलिटी टू एक्सचेंज विद अ सिमिलर एसेट विदाउट सेक्रीफाइसिंग इट्स वैल्यू. कहने का मतलब 100 रुपये की नोट है, ठीक है. आपने किसी को 100 रुपये की नोट दी तो 10-10 रुपये का आपने 100 रुपये ले लिए फॉर एग्जांपल, तो आपको आपका 10-10 रुपये की 10 नोटें हैं और 100 रुपये दे दिया, बराबर वैल्यू है कि नहीं, कोई वैल्यू हार्म तो नहीं हुई, ठीक है. इसे कहते हैं फंगेबल, याद रखिएगा, ठीक है. ऐसे एसेट्स को कहते हैं फंगेबल एसेट्स. जैसे मैंने आपको एक बिटकॉइन दिया, बिटकॉइन की भी कुछ कीमत होगी, आप वो कीमत मुझे प्रोवाइड कर दोगे, तो बिटकॉइन इज ऑल्सो एज अ फंगेबल. याद रखिएगा नॉन फंगेबल नहीं है, इट इज ऑल्सो फंगेबल. मैंने लिखा है फंगेबल एसेट है, रिमेंबर दैट इज बिटकॉइन ऑल्सो, है ना. अगर आपका कोई बिल हुआ है फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं खाना खाने गया, 100 रुपये का बिल हुआ है, आपने 100 रुपये की नोट दे दी, ओके, आपका बिल क्लियर हो गया, ठीक है. रिमेंबर उस 100 रुपये की नोट से आपका बिल क्लियर हो गया. या तो ये एग्जाम्पल नहीं भी आप याद करोगे तो मैंने जो आपको बताया 100 रुपये की नोट वाला 10-10 बराबर है. नॉन फंगेबल क्या होता है, रिमेंबर इसमें क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज मोनालिसा की पेंटिंग, ओके. अब आप इस पेंटिंग को लेके गए खाना खाने, आपने कहा मैंने खाना खा लिया, ऐसा करो तुम इतना पोर्शन ले लो इसका, ठीक है, और मुझे छोड़ दो, तो कहेगा पागल हो गया हो क्या, ये थोड़ी ना लूंगा मैं, इसको काट चाहे करोड़ों की पेंटिंग हो, अब ये थोड़ी इतना सा ले लो, ये 1 करोड़ हो गया तुम्हारा, ऐसा तो नहीं कह सकते. ऐसे एसेट्स को कहते हैं नॉन फंगेबल, रिमेंबर, ठीक है. तो अभी न्यूज़ में जो है दैट इज NFT जो है वो न्यूज़ में आया है, नॉन फंगेबल ट्रस्ट, आई थिंक यस, नॉन फंगेबल ट्रस्ट जो है, ठीक है, ट्रस्ट है, एक बार चेक कर लीजिएगा, नॉन फंगेबल आई थिंक ट्रस्टी है, ओके. सो ये जो है याद रखिए नॉन फंगेबल है, याद रखिए कैन नॉट बी ट्रेडेड डायरेक्टली विथ ईच अदर बिकॉज दे आर यूनिक. वो यूनिक होते तो उनको ईजिली ट्रेड नहीं कर सकते. सो बिटकॉइन जो है वो फंगेबल है, दैट इज नॉट फंगेबल. बस मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरा टॉपिक आपसे लिया हुआ है. NFT अभी मार्केट में न्यूज में आया है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके, ठीक है. आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट है तापी, जस्ट रिमेंबर तापी जो प्रोजेक्ट है, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया. इंडिया में देख सकते हैं पंजाब में जो फजिलाका है वहाँ पर जो है, दैट इज फजिलिका, इट्स अ प्लेस जहाँ पर ये कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से गैस फील्ड जो है ग्लैकंश जो ग्लास फील्ड है वहाँ से तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन कनेक्ट करेंगे. इस प्रोजेक्ट को कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके. सो रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज दिस तापी प्रोजेक्ट, ओके. नेक्स्ट जो है ये देखिए कुछ फेस्टिवल्स मैंने लिख दिए हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये आपको PDF तो अवेलेबल हो जाएगी. बस एक बार शॉर्ट फॉर्म बता दूँ, बीहू बोले तो असम, ठीक है, बैसाखी बोले तो पंजाब, आई होप आपको पता होगा, ठीक है. नववर्षा की बात करें वेस्ट बंगाल,
ठीक है, पुदांदू की बात करें तमिलनाडु, रिमेंबर, ठीक है, फिर देन अगला जो है दैट इज विशु, दैट इज केरल, ओके, महाविश्वा संक्रांति ओडिशा, ओके, रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, सिंह महोत्सव, ये जरूर याद रखिए, सिंह महोत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। अब देखिए इन फेस्टिवल्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रीड, इफ़ यू वॉन्ट टू स्किप ऑल्सो यू कैन स्किप, बट एक दो याद कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे देखो जो शीतल लिखा हुआ है, शीतल मतलब आप याद कर लो शीतल जो है वो कहाँ से है, वो बिहार से है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। एटलीस्ट फेस्टिवल्स देखिए इतने सारे होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दोज फेस्टिवल्स, बट जो अप्रैल में न्यूज़ में था वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, इट्स अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू लर्न देम, ओके, कौन से न्यू ईयर के फेस्टिवल्स हैं, कौन से एग्रीकल्चर के फेस्टिवल हैं, उतना देखने की जरूरत नहीं है, इतना इम्पॉसिबल है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो कि फेस्टिवल्स कहाँ पर हैं। कुछ तो याद होंगे, बिहू और बैसाखी तो सबको ही पता होगा, ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया, याद कर लो, बाकी आप पर है आपको याद करना है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये मैंने इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आपने एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वो समझ में आ गया, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आपको 5 kg राशन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ, आपको 5 kg राशन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ, ओके, और अगर अंत्योदय अन्न योजना के अंदर होगे तो 35 kg राशन आपको मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, पर हाउस होल्ड के अंदर, यहाँ पर हाउस होल्ड मतलब एक घर में 35 kg मिलेगा और यहाँ पर था पर पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, ओके। अभी क्या हुआ है, सरकार अब इसको के साथ, ये तो मिल ही रहा है, सरकार ने लॉन्च की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें सरकार ने क्या बोला है, 2 months के लिए ये और बढ़ाई जा रही है, दैट इज मई और जून में, इसमें इसके साथ साथ आपको 5 kg राशन पर पर्सन और इंक्रीज किया जा रहा है, तो याद रखिए ये तो मिल ही रहा है, तो लोग मत बोलना से ये तो मिल रहा था तो ये क्या है, क्या उससे अलग से, तो ये अलग से ही इसी में ऐड किया गया है, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, जो बेनिफिशियरी अराउंड 80 करोड़ बेनिफिशियरी हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनको ही ये चीज़ मिल रही है, तो मतलब 80 करोड़ लोगों को 5 kg जो राशन है पर पर्सन वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया दोनों ही पॉइंट्स में, ओके। अंत्योदय अन्न योजना मैंने बताया, जो सबसे गरीब होते हैं, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, उनको ये मिलता है, ओके, और ये तो जो है आपके आएंगे लिस्ट में बेनिफिशियरी में उनको मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, अगेन इंपॉर्टेंट, इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, कौन पब्लिश करता है इंपॉर्टेंट है, देख इंडिया की रैंक जो है 142 है, लास्ट ईयर भी 142 थी, 180 कंट्रीज टोटल है, रैंक 1 पे नॉर्वे है, ओके, इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं है ऑफकोर्स अगर देखा जाए तो। इसको पब्लिश कौन करता है, एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिमेंबर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, ठीक है, तो इंडिया में प्रेस की फ्रीडम कम है ऐसा बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ओके, बट ये सब नॉन प्रॉफिट बॉडी है, कोई बड़ी बॉडीज नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके, तो रैंकिंग क्या है एक बार फिर से बता दो, दैट इज 142, ओके। नेक्स्ट जो मिशन है, देखिए मिशन अब ओवर हो चुका है, इंडिया राइनो विजन 2020, इंडिया राइनो विजन 2020 ओवर हो चुका है, 2005 में इसके लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था, ओके, जिसके लिए राइनो टास्क फोर्स 2005 बनाया गया था, जिसका टारगेट क्या था, राइनो की पॉपुलेशन इंक्रीज करना है टू 3000 बाय 2020 इन 7 प्रोटेक्टेड एरियाज इन असम, जो 7 प्रोटेक्टेड एरिया है असम के जहाँ राइनोज की पॉपुलेशन, उसमें इंक्रीज करना है उनकी पॉपुलेशन, ऑफकोर्स अचीव कर लिया, इंक्रीज भी कर दी है, इसमें असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WWF, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इंटरनेशनल आइडो फाउंडेशन, US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज, सब लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम चलाया था। आप तो सिर्फ इतना करिएगा, असम में ये जो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ओके, इनके नाम देख लीजिएगा, इनके नाम हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं, ओके, तो एक बार प्लीज़ इसको गो थ्रू करिएगा, असम के नेशनल पार्क भी आप देख सकते हैं, बट ये 7 प्रोटेक्टेड एरियाज राइनोस के टर्म्स में ज़रूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। इंपॉर्टेंट ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, देखिए फंड जो स्कीम है ये स्टार्टअप के लिए, सीधी सी बात है, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, किसको, स्टार्टअप को, कि देश में स्टार्टअप बढ़े, और इसके लिए ये लॉन्च किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये लॉन्च किया गया है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, उसने लॉन्च किया है, ओके, इसमें 945 करोड़ दिए गए हैं, करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं कितने करोड़ दिए गए हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दैट इज सफिशियंट, और किस लिए, स्टार्टअप के लिए, ओके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मैं दोनों स्कीम बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, अर्बन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर है, ग्रामीण याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है,
ये याद रखना 2022 तक लोगों को घर प्रोवाइड करने हैं, हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करने हैं, ये विलेजेस के लिए है और वो वाली अर्बन एरियाज के लिए है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, इसमें शेयरिंग है, देख सकते हैं 60-40 का शेयर है। फिर ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट में 90-10 का है और अगर यूनियन टेरेटरीज है तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ये शेयरिंग पैटर्न होता है। जस्ट रिमेंबर कि 60-40 का नॉर्मली सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, रिमेंबर, ठीक है, रूरल एरिया से बनाएंगे। ये मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने कवर कर दिया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइट गारंटी स्कीम, ये क्या है इमरजेंसी क्रेडिट लाइट गारंटी स्कीम? बहुत सिंपल है, याद रखिएगा, सरकार इस समय सबको बोली ना बैंक्स को कि लोन प्रोवाइड करो, जो भी NBFCs हैं या बैंक हैं, कि आप लोन देते जाओ पब्लिक को, तो गवर्नमेंट बैंक कह रही है हम लोन तो दे देंगे, लोन तो चुकाएंगे नहीं, तो बैंक कह रही चिंता मत करो इनकी गारंटी मैं ले रही हूँ, तो उसी को कहा जा रहा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें 100% जो गारंटी है वो सरकार ले रही है, रिमेंबर, और सरकार की एक बॉडी है जो ये काम करेगी, उसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, ओके। ये ट्रस्ट कंपनी 2014 में स्टैब्लिश की गई थी अंडर, याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट 1956, और इसका काम क्या है, सरकार जब बोलती है कि आपको गारंटी लेनी है तो ये गारंटी लेती है, मतलब अगर वो लोग लोन नहीं चुका पाए तो बैंक्स को लोन ये कंपनी चुकाएगी, और ये कंपनी सरकारी है, ऑफकोर्स सरकार चुकाएगी एक तरीके से, जिसमें आप लोन देने में रुके ना, आप पब्लिक को लोन प्रोवाइड करें, कोविड का टाइम चल रहा है, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, नाम से पता चला गारंटी सरकार लेगी। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल स्टार्टअप के लिए, ऑफकोर्स इसको चेयर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टार्टअप के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लगा देना आंसर में, डिपार्टमेंट वही है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ओके। याद देखिएगा, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा स्टार्टअप इनोवेशन में क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करता रहता है स्टार्टअप के लिए हम क्या नया कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है चिनाब आर्क ब्रिज, जस्ट रिमेंबर चिनाब पे ये जो ब्रिज बन रहा है ये होने वाला है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ओके, जो कि एक पार्ट है उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट है, रिमेंबर, बाकी इसके हम डाटा पढ़ सकते हैं, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो बन रहा है कहां पर, चिनाब रिवर पर, चिनाब रिवर इंपॉर्टेंट होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में आप चाहें तो देखिए पढ़ सकते हैं कितनी हाइट वगैरह है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं आते हाइट वगैरह पे, रिमेंबर कि आईफल टावर से बड़ा है और ये सब बातें जो है ठीक है आप देख सकते हैं, बट चिनाब रिवर पर कौन कौन से डैम है ये आप याद कर लीजिए। तरीका देखिए रैटल सलल दुल हस्ती, तो अल अल आप देख रहे होंगे, रैटल है, सलल है, दुल है, तो ये जिसमें एल ला आए शब्द आए तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं वो सारे कहाँ पर हैं, चिनाब रिवर पर है, तो चिनाब रिवर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, उनको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में आप याद कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है पाइथन 5, ये पाइथन 5 क्या है, ये एक इजरायली, याद रखिएगा, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जिसको तेजस में इंटीग्रेट किया गया, तो तेजस फाइटर प्लेन है उसमें इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया, इजराइल मेड है, याद रखिएगा पाइथन 5, तो पाइथन 5 आप जानवर मत लगा देना, इट इज एयर टू एयर मिसाइल, ओके, बाय इजराइल, ओके। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, क्या करती है याद रखिएगा, मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो ये बॉडी इन्फॉर्म करती है, कि मिलिट्री का एक्सपेंडिचर ये बताती है, ओके। उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंकिंग है, याद रखिएगा, मिलिट्री में वो है थर्ड रैंक है आफ्टर USA एंड चाइना, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले मैं एक मिनट का ब्रेक लूंगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा, आई होप बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, तो एक मिनट रुकना। चलिए एक मिनट नहीं, मैंने कुछ 30 seconds ही बोले थे, 10 seconds ही बोले थे, ओके। तो देखिए ये जो है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज योर मनस ऐप, आपसे पूछा जाता है ये ऐप क्या है, ठीक है, मनस ऐप किस लिए लॉन्च किया गया, आपने एम से मेंटल हेल्थ याद रखना, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को कोई आजकल इतना ध्यान नहीं देता, बट मेंटल हेल्थ के लिए देखिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया मनस ऐप, जिसका काम जो है टू प्रमोट मेंटल वेलबींग अमंग द एज ग्रुप्स, तो मेंटल वेलबींग के लिए ये उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, तो जस्ट रिमेंबर ये ऐप किसके लिए है, मेंटल वेलबींग के लिए, दैट इज सफिशियंट, फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेंसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया हो, जस्ट रिमेंबर किसके लिए लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नासा का जो मिशन था, याद रखिए नासा का जो रोवर मिशन था मार्स पर, उसका नाम था परसीवरेंस, ये उसके रोवर का नाम था, रोवर के अंदर ही एक छोटा सा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कि एक छोटी सी कह सकते हो फ्लाइट थी, ठीक है, फ्लाइट कह सकते हो, स्मॉल फ्लाइट, ओके, मतलब प्लेन था, छोटा सा प्लेन था, ओके, जिसका नाम था इन
इनगेन्युटी, याद रखिएगा इनगेन्युटी जो है वो क्या है, वो इस जो नासा का परसिवरेंस रोवर है उसी की एक छोटा सा याद रखिएगा फ्लाइट है जो इसके अंदर था। तो पूछा सकता है नासा इनगेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर, हाँ मतलब फ्लाइट मतलब हेलीकॉप्टर बोलते ज़्यादा बेटर है। सो याद रखिए हेलीकॉप्टर सक्सीड्स इन हिस्टोरिक फर्स्ट फ्लाइट, तो ऑफकोर्स इससे आके उसने बड़ी अच्छी इमेजेस भेजी हैं। सो जस्ट रिमेंबर कन्फ्यूज नहीं होना, परसिवरेंस रोवर का नाम है ओके, और इसके अंदर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर था आप उसे कह सकते हैं, दैट इज इनगेन्युटी ओके। अब चाइना ने भी मार्स मिशन छोड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उनके रोवर का नाम देख लीजिए क्या है, इसने भी अभी बहुत सी इमेजेस भेजी हैं, जुरोंग ओके। सो जुरोंग जो है वो चाइना का जो मिशन है याद रखिएगा मार्स का, उसमें जो उनका रोवर का नाम है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। रोवर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ओके। इमेजेस यहां पर मैंने बना रखी हैं ओके, तो दोनों का है। दूसरा है तो आई होप आपको समझ में आ गया, चाइना का एक मिशन अलग है और यूएसए का अलग है, मैंने एक साथ लिख दिया है ओके। रोवर के अलग अलग नाम है, देखिए जो न्यूज में रखा वो मैंने बता दिया है, इसने इमेजेस भेजी तो मैंने सीधे उसको कवर कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ये रिवर, आपने शायद मेघालय में सुनी होगी, देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट पानी है, तो बस उसी लिए इंपॉर्टेंट है। तुमगॉट रिवर आपसे पूछी जा सकती है कहां पर है, अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज कहते हैं मेघालय में, तो कभी जाए मेघालय जरूर विजिट करें इस रिवर को ओके। नेक्स्ट रजनीकांत जो है उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल गया है 2020 का, आपको पता होना चाहिए 51st जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला वो इनको मिला है। सबसे पहले 1969 में देविका रानी है जिनको सबसे पहला अवार्ड मिला था। दादा साहेब फाल्के की बात करें, बड़े फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उनको ओके, अब तो वो मर चुके हैं बट उनके नाम पे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। ही वॉज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रीन राइटर रिमेंबर, ठीक है। उनकी पहली फिल्म भी थी, पहली फीचर्ड फिल्म इंडिया की, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 में, वो भी फिल्म याद की उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। तो उन्हीं के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, किसको मिला है वो मैंने आपको बता दिया है ओके। और अभी जो है याद रखिएगा 48 चीफ जस्टिस बन गए आपके, जिसका नाम है जस्टिस एन वी रमन ओके। सो जस्ट रिमेंबर हु इज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, चाहे तो आप कवर कर सकते हैं, मैं बेसिक बता देता हूँ। फ्री हिंदू टेंपल फ्रॉम स्टेट कंट्रोल बिगन इन 1817, कहने का मतलब हिंदू टेंपल जो है मैं बता दूं आज भी उन वो कंट्रोल में है स्टेट गवर्नमेंट के, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उनको कंट्रोल करती है, उनका पूरा पैसा वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जबकि देश में जो चर्चेज हैं और जो मस्जिद हैं इन सबको कंट्रोल नहीं करती है स्टेट, तो ये सब लोग फ्री हैं, ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं मस्जिद की और अपने किसकी, दैट इज़ योर मॉस्क हो गया आपका, आपका चर्च हो गया, उसको और अच्छा डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग खुद ही जितनी इनकम आती है अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पैसा देते हैं। बट हिंदू टेंपल में तो ये हालत है कि पुजारी को पैसा देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हुए हैं ओके, क्योंकि स्टेट पैसा नहीं प्रोवाइड करती है रिमेंबर। सो ये बोला गया है कि जो हिंदू टेंपल, ऐसा क्यों भेदभाव है कि बाकी टेंपल्स को फ्री कर रखा है, हिंदू टेंपल को सिर्फ आप रेगुलेट करो, उसको भी फ्री करना चाहिए, सेकुलर देश तब कहलाएगा। तो अभी एक मूवमेंट चली थी ठीक है, फ्री हिंदू टेंपल फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, तो वही मैंने आपको बता दी। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने करके गए थे 1817 से, तब से चला आ रहा है ऐसा, जो अब नहीं होना चाहिए। अभी आपने श्री श्री रविशंकर का नाम सुना होगा, अगर आप YouTube में इनका ये डालेंगे तो आपको उन्हीं की इमेज आएगी, उन्होंने ही मूवमेंट चालू किया हुआ है ओके। ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जब से जो बिडेन आए हैं हटे हैं अपने ट्रंप, तो ये न्यूज़ में वापस आ गया है। ये एग्रीमेंट 2015 में हुआ था ठीक है, कि ईरान को ऑफकोर्स जो उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए, जिसमें ईरान के साथ P5+1 मेंबर्स मिलके ये एग्रीमेंट किया था 2015 में, बट जब ट्रंप आ गया तो उसने ये एग्रीमेंट को तोड़ दिया। रिमेंबर P5+1 मतलब जो परमानेंट फाइव हैं, UK, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड USA, ये पांच परमानेंट थे और जर्मनी प्लस वन में था ओके। ये छह कंट्रीज ने मिलकर ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे कि ऑफकोर्स जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह जो ईरान कर रहा था उसको स्टॉप करने के लिए। बट अब ये वापस न्यूज़ में है बिडेन के बाद, तो जस्ट रिमेंबर व्हाट इज दिस P5+1 ओके। सो जो जो अप्रैल में न्यूज़ थी वो मैंने सिंगल लेक्चर में कवर कर दी है। देखिए मैं ऐसे ही एक मंथ की करंट अफेयर्स आधे घंटे में कवर कर देता हूँ, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे चैनल को विजिट करिए, सॉरी हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हर मंथ को मैंने सिंगल लेक्चर में कवर किया हुआ है, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो चेक करने के लिए, आप कोई मैगजीन्स अगर आप चेक करना चाह रहे हैं सारी कवर की है कि नहीं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लोग विजन की करंट अफेयर्स बहुत बोलते हैं कि उसमें बहुत अच्छा रहता है, तो आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं विजन की, दृष्टि की, किसी की भी चेक कर लो यार, और आपको इससे बाहर कोई टॉपिक मिल जाता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाता है ओके। क्योंकि मेरा मानना है मैं एक मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं वहाँ से हिंदू से लेके हर चीज़ कवर करता हूँ, और वही लोग वो लोग भी अपनी मैगजीन में ऐड ऑन करते हैं ओके। सो अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है हमको ज़रूर इन्फॉर्म करें, हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।